विद्यार्थियों, आज हम अप्लाइड मैकेनिक सब्जेक्ट में फ्रिक्शन, इस यूनिट का एंगल ऑफ रिपोज यानी विश्रांति कोण, इस टॉपिक को पढ़ेंगे। एंगल ऑफ रिपोज की डेफिनेशन है द एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन, किसी तिरछे समतल या नत तल का वह एंगल, वह कोण एट विच अ बॉडी जस्ट बिगिन्स टू स्लाइड डाउन द प्लेन, यानी किसी भी इंक्लाइंड प्लेन का वह एंगल जिसके ऊपर, उसके ऊपर रखी हुई वस्तु अपने आप नीचे की ओर सरकना स्टार्ट हो जाती है, चालू हो जाती है, उसे हम एंगल ऑफ रिपोज या विश्रांति कोण कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है, एक नत तल है, इसके ऊपर एक वस्तु रखी हुई है, एक ऑब्जेक्ट है। अभी ये ऑब्जेक्ट अपने स्थान पर ही है, कहीं नहीं जा रही है। अभी इसका एंगल मान लीजिए थीटा है। जैसे जैसे हम एंगल थीटा को बढ़ाएंगे, यानी इस एंगल को हमने बढ़ाकर इतना कर दिया, यानी अब थीटा बढ़ के बड़ा हो गया है, तो एक एंगल ऐसा आएगा धीरे धीरे, जैसे जो भी इंक्लाइंड ऑब्जेक्ट है उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जैसे जैसे बढ़ाते रहेंगे, तो एक एंगल थीटा ऐसा आएगा जब वस्तु अपने आप बिना किसी बल लगाए नीचे की तरफ सरकना चालू हो जाएगी, उस एंगल थीटा को हम एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। यानी वो एंगल जिसके ऊपर वस्तु अपने आप नीचे की तरफ फिसलना स्टार्ट हो जाती है, वो एंगल ऑफ रिपोज कहलाता है, या विश्राम कोण या विश्रांति कोण कहलाता है। यानी उस एंगल के ऊपर वस्तु विश्राम से गति में आ जाती है। तो ये जो एंगल ऑफ रिपोज है, ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होता है। यानी एंगल ऑफ रिपोज इज इक्वल टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन। जो हमने पहले पढ़ा था एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, तो ये एंगल ऑफ रिपोज जो है ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बराबर ही होगा। यानी टेन थीटा इज इक्वल टू टेन फाई, फाई एंगल ऑफ फ्रिक्शन है और थीटा एंगल ऑफ रिपोज है। यानी जब थीटा और फाई बराबर हो जाएंगे उस केस में वस्तु अपने आप नीचे की तरफ फिसलना चालू हो जाएगी। तो इस केस में कौन सा बल ऐसा है जो इस वस्तु को नीचे की तरफ धकेल रहा है, यानी किस कारण से वस्तु नीचे की ओर फिसल रही है एंगल बढ़ाने के ऊपर, तो उसको देखते हैं अभी अपन। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो किसी भी इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर है, हर वस्तु के अंदर भार होता है, वेट होता है, जो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है। इसी वेट का अगर हम वो कंपोनेंट निकालें जो इस सरफेस के पैरेलल हो, यानी इस वेट के हम दो कंपोनेंट निकालेंगे, एक इस सरफेस के परपेंडिकुलर और एक इस सरफेस के पैरेलल। यानी इस वेट को हम दो पार्ट में रिजॉल्व कर देंगे, जो सरफेस के परपेंडिकुलर पार्ट होगा उससे इसको नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा एन, और जो सरफेस के पैरेलल पार्ट होगा वेट का, उसकी वजह से वो फोर्स है जो कि इसको नीचे की तरफ धकेल रही है। तो वेट का ही जो सरफेस के पैरेलल कंपोनेंट है वह इसको नीचे की तरफ धकेलता है, जिसके कारण ऑब्जेक्ट जो है नीचे की ओर लुढ़कती है। तो यही वो कंपोनेंट है जो ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ धकेल रहा है। तो ये हो गया एंगल ऑफ रिपोज, विश्रांति कोण या विश्राम कोण। जब ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होगा तब वस्तु नीचे की तरफ सरकना स्टार्ट हो जाएगी। धन्यवाद।